सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर माई सेल्फ HR चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख कर आए हैं, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के बारे में लेटेस्ट ब्रेकिंग अपडेट क्या है इसके रिगार्डिंग आपको पता है। 27 तारीख को जो अपडेट आई थी बोनस के रिगार्डिंग, जो कोर्ट में केस चल रहा है बोनस के रिगार्डिंग, क्या एक साल से कम के जो कैंडिडेट हैं उनको 15 नंबर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके रिगार्डिंग जो कोर्ट में केस चल रहा था उसकी सुनवाई 1 तारीख को सरकार को बोला कोर्ट में पेश होने को वकील को। फिर आज की सुनवाई में क्या नतीजा रहा, मैं आज किस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट दोस्तों ये है, आपसे कुछ पैसे नहीं मांगे जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोज़ आते हैं, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, फैमिली बढ़ती है और जोश आता है, नए जोश के साथ हर एक नई अपडेट आपके लिए लेके आते हैं और पूरे भारत की नर्सिंग जगत की हर एक भर्ती की अपडेट आपको देते रहते हैं। 1 तारीख की जो कोर्ट में सुनवाई रही, अब क्या CHO को बोनस अंक नहीं मिलेगा या मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट। तो साथियों, लेटेस्ट अपडेट है जो कि सोशल मीडियाज़ के थ्रू मुझे रिसीव हुई है, मैंने किसी साथी को पूछा है तो बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियों में बोनस अंक को लेकर चल रहे कोर्ट केस में सरकार के वकील ने आज फिर आगे की तारीख मांगी है, 7 अगस्त 2023 को अगली सुनवाई होगी। तो दोस्तों, ये जो है अपने आप में इस भर्ती के लिए बैड न्यूज़ मैं कह सकता हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों जब आचार संहिता बहुत जल्द लगने वाली है और ये लोग डेट पे डेट दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भर्ती हो ना हो अगली सरकार में जा सकती है। तो सरकार यदि इन भर्तियों को जल्दी करवाना चाहती हैं तो अच्छे तरीके से पैरवी करके ये जो निपटारा है, ये मामला है जो भी है, इसको निपटारा किया जाए। सरकार से सभी लोगों की मांग भी होनी चाहिए और इस तरीके से यदि डेट पे डेट दी जाए तो ये भर्ती कंप्लीट होना संभव मुझे मुश्किल लग रहा है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। कि आज मुझे ऐसा अनुमान था कि जो आज की जो अपडेट थी, मैंने सोचा कि आज इसका जो मामला है वो निपट जाएगा, बट इन्होंने फिर से डेट दे दी है। अब वेट करो आप 7 अगस्त का। अब 7 अगस्त का क्या मामला रहेगा, उससे पहले 2 अगस्त को सुनवाई है अपने जो रिटर्न बेस या मेरिट बेस पे होगी भर्ती, इस पर भी है, कल और भी सुनवाई होगी। अब देखो क्या कल का नतीजा रहता है, ये तो आगे खिसक गई है अब सुनवाई। अब लेटेस्ट और क्या अपडेट रहेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप जुड़े रहिए मेरे से और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन जो घंटी का निशान आ रहा है उस पर आप क्लिक करोगे तो ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपके क्या सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।